लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। लखनऊ की विकास नगर पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लुटेरे के ऊपर 15,000 का इनाम घोषित था और वह पिछले लंबे समय से फरार था। पुलिस ने संदीप सोनी नाम के आरोपी को उसके साथी दिनेश रावत के साथ विकास नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। संदीप सोनी अपने साथी के साथ मिलकर लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने संदीप के पास से 15 सोने की चैन, मोबाइल, एक अवैध तमंचा, 4 कारतूस, मोटरसाइकिल और 1 किलो मॉर्फिन बरामद की है। आरोपी के खिलाफ लखनऊ के विभिन्न थानों में लूट के तकरीबन 60 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करने की तैयारी में है। प्रभारी निरीक्षक विकास नगर के नेतृत्व में अपराध शाखा की जो सुपर 30 टीम है हमारी, उसने ठाकुरगंज निवासी संदीप सोनी की गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त की है। यह एक शातिर अपराधी है, इसके ऊपर 60 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और विभिन्न मामलों में वांछित चल रहा था। गिरफ्तारी के समय इसके कब्जे से 1 किलो मॉर्फिन, 1 तमंचा, 4 कारतूस बरामद हुए। इसके साथ एक सहयोगी भी इसका गिरफ्तार हुआ है, जिसको साथ में इसको जेल भेजा जा रहा है। इसके ऊपर 15,000 का इनाम घोषित था पहले से और इसकी गिरफ्तारी के लिए टीम ने काफ़ी मेहनत की है और मेहनत से इसमें लगे रहे, जिसपे इस पर सफलता प्राप्त हुई है। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए टीम को 15,000 रुपये रिवार्ड की घोषणा जो हुई थी वो आज उनको दिया जाएगा। मुलजिमों को जेल भेजा जा रहा है। इनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ इनका जो भी संपत्तियाँ इसमें अर्जित की गई हैं उनको कुर किया जाएगा। सर, जो मॉर्फिन पकड़ी गई है उसकी कीमत क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय उसकी कीमत क्या होगी, और साथ ही साथ इनके साथ में और क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं? देखिए, जो मॉर्फिन बरामद हुई है यदि इसको हम लोग देखें तो करीब ये 2 करोड़ के आसपास इसकी कीमत, क्योंकि ये काला धंधा है तो लगभग 2 करोड़ की कीमत इसकी यहाँ की जा रही है। और इसकी निशादेही पे जो इसने पीछे लूट किए थे उस लूट के मामलों की लगभग 15 चेनें बरामद हुई हैं और उनके सभी मालिकान को तलब किया जा रहा है, उनसे शिनाख्त कराई जाएगी, जो भी कार्रवाई होगी पूरी करके उनको वापस कराया जाएगा। ये जो चेनें बरामद हुई हैं ये क्या विकास नगर की कि अलग अलग और भी शहरों की? नहीं, ये लूटें जो हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में किया था, क्योंकि शहर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो आसपास के गली मोहल्लों की जो लूटें हैं वो विभिन्न थानों से संबंधित हैं। सभी थानों को इसमें सूचना दे दी गई है, सभी विवेचक इसमें रिमांड बनवाने के लिए न्यायालय जा रहे हैं।